हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बसलमेनिया बितंकर में। जिस तरह का लेवल आरआरबी पीओ प्री एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आरआरबी पीओ के एग्जाम में क्वेश्चन का सिलेक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी तरह जिस तरह का लेवल और जिस तरह की हाई कट ऑफ आरआरबी क्लर्क प्री एग्जाम में देखने को मिलती है, तो आरआरबी क्लर्क एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट भी होती है और गेम चेंजर भी। 45 मिनट में आपको स्पीड भी बनाकर चलना है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, इसलिए आरआरबी क्लर्क प्री एग्जाम में किसी भी टॉपिक को छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। देखो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन स्किप करने वाला आ जाए और तब छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन इस वजह से छूट गया कि वो टॉपिक आपको आता नहीं था या उस टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो आरआरबी क्लर्क प्री एग्जाम के लिए आप सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। देखो, दिन में एक ही मॉक टेस्ट आप दीजिए, लेकिन बाकी का समय आप स्पीड और प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। तो जितने दिन रह गए हैं, आप स्मार्ट कीड़ा के स्पीड ड्रिल और टॉपिक टेस्ट से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जिनके पास नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, कूपन कोड आप PM10 लगाएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप स्पीड ड्रिल और टॉपिक टेस्ट लेकर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और एक बार आप सभी कमेंट में जरूर मेंशन करें कि आरआरबी क्लर्क प्री मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर और परसेंटाइल बन रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।